बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेहंदी का फंक्शन जो हम सब शादी पे गए हुए थे। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद फिर सबके मेहंदी लगाई मैंने। मुझे इतनी कोई ज़्यादा मतलब आउट क्लास मेहंदी तो नहीं लगाना आती, लेकिन हाँ इतनी आती है कि लगी हुई अच्छी लगती है। तो ये मीरप कह रही थी मेरे हाथों पर लगाओ, तो मैंने उसके हाथों पे भी लगा दी। और ये मेरा मेहंदी का ड्रेस है, ये बॉटल ग्रीन कलर की एयरलाइन स्टाइल में ओपन शर्ट है, और इस पूरी के ऊपर फ्रंट और बैक पे सेम एज इट इज़ कटवर्क हुआ है। सी है, ये ओपन शर्ट है, इसके नीचे फुल लेंथ फ्रॉक है। तो ये इसके ऊपर पूरी जो ओपन शर्ट है ना, उसके ऊपर काम हुआ है, ये कटवर्क हुआ है, और बैक साइड और फ्रंट साइड जो है ना वो सेम एज इट इज़ एक जैसी है ओपन में। और ये फ्रंट साइड है, नीचे इसके कटवर्क हुआ है, और तकरीबन 4 फिंगर्स से ज़्यादा मतलब इतना चौड़ा है, और तकरीबन 4 से 5 इंच चौड़ा है। और ऊपर से ये वी नेक है, और वी नेक जो है ना थोड़ा सा बड़ा है वी नेक का। इसके नीचे जो फ्रॉक है ना उसके ऊपर भी काम है। और ये है जी बैक साइड, बैक साइड में जो कटवर्क हुआ है वो ये 2 लाइंस हैं, और फ्रंट साइड पे जो हैं वो 3 लाइंस हैं कटवर्क की, और पीछे डोरी लगाई हुई है। और ये इसके बाजू हैं, और बाजू पे भी सारी जो है ना वो पर्पल कलर की वेलवेट की पाइपिंग हुई है, और पूरी ओपन शर्ट में ये छोटा छोटा फूल और साथ में छट्टा दिया हुआ है। और ये पीछे जो है ये डोरी लगी हुई है, और ये लगी हुई हैं 3 हुक्स पीछे से इसको सिक्योर करने के लिए, और फ्रंट साइड पे यहाँ पे वो लगे हुए हैं बॉल्स लगी हुई हैं जैसे मतलब वो लगाई हुई हैं। और ये फ्रंट साइड पे नीचे ये जो ओपन शर्ट है ये उस पर कटवर्क हुआ हुआ है। ये बैक साइड है, बैक साइड पे थोड़ा सा कटवर्क जो है उसकी मतलब चौड़ाई थोड़ी कम है, और फ्रंट साइड पे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन सेम स्टिचिंग है इसकी, फ्रंट साइड और सेम साइड एक जैसी है, सिर्फ कटवर्क में थोड़ा सा फ़र्क है। और इसके साथ ही ये ब्लू कलर का ही सिंपल कैपरी है, और साथ ही दुपट्टा, दुपट्टे के फुल साइड पे जो है ना वो पाइपिंग हुई है पर्पल कलर की, और सेंटर दरमियान में छट्टा जैसे पूरी ओपन शर्ट में छोटा छोटा फूल और साथ में छट्टा दिया हुआ है। और ये जी है फ्रॉक, और ये फुल लेंथ फ्रॉक है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे ये जो ऊपर गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, सारा जो काम हुआ हुआ है इतना जो है वो ओपन शर्ट का वी नेक है, इनके वी नेक थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कि आम वी नेक होता है ना उससे बड़ा है। कि ये वाला जो है ये मैं आपको अब दिखाती हूँ, पूरी जो ओवरलुक थी, ओपन शर्ट थोड़ी सी उसकी लेंथ ज़्यादा है, और फ्रॉक थोड़ा सा मतलब लेंथ में कम है, लेकिन ये फुल लेंथ है। और ये है जी पूरी ओवरलुक, और ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 बॉल्स लगी हुई थी, और जिनकी मदद से आगे से ओपन शर्ट जो है ना वो क्लोज़ है, और पीछे 3 हुक्स लगी हुई थी थोड़े थोड़े फासले पे, और ऊपर जो है वो गले जहाँ बैक साइड का गला होता है वहाँ पे डोरी लगी हुई थी। और ये फ्रंट साइड का काम है, तो यहाँ पे 3 लाइंस हैं कटवर्क की, और बैक साइड पे 2 लाइंस हैं, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी सेम स्टिचिंग है और सेम ही कटवर्क है। और यहाँ पे जो फ्रंट साइड का बॉर्डर है वो इतना चौड़ा है, ये 6 लाइंस हैं, और जो बैक साइड है वो आई थिंक 4 लाइंस हैं। और ये है जी मेरी ओपन शर्ट थी, और इसके नीचे फुल लेंथ फ्रॉक था, और पहना हुआ इतना मज़े का लगता है। और ये जो है कलर जो है थोड़ा सा लाइट की वजह से चेंज आ रहा है, ये बॉटल ग्रीन कलर में था, और नीचे जो है वो पर्पल कलर में फ्रॉक था, और पूरी ओपन शर्ट को जो है वो पर्पल कलर की वेलवेट की पाइपिंग है, और जो बाजू हैं वो ओपन शर्ट के कलर के साथ के हैं, लेकिन वो अटैच जो उसके साथ हैं फ्रॉक के साथ। और फुल जो ओवरलुक है वो ऐसी है, ओपन शर्ट के नीचे से फ्रॉक का गला ऐसे नज़र आता है, और पहनी बहुत ही खूबसूरत लगती है। और सबसे मज़े की बात जो थी ना, इसकी बैक साइड भी सेम फ्रंट जैसी थी, जैसे फ्रंट पे काम था वैसे ही बैक पे था, तो बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर आप इसको खुद बनवाएंगे तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में बन जाती है, तो जब मैंने बनवाई थी तकरीबन 11,000 में बनी थी। तो उसके बाद मैंने ड्रेस वगैरह पहनने के बाद फिर किया मेकअप, और तैयार वगैरह होने के बाद फिर हम लोगों ने जाना था शादी वाले घर। और ये जी हम पहुंच गए हैं शादी वाले घर, वो सामने जो है ना ये घर है जहाँ पर शादी है, और सारी उसकी डेकोरेशन वगैरह हुई हुई थी।
लाइटिंग वगैरह काफ़ी थी। और उसके बाद पहले हमने जाते ही खाना खाया है, और खाना खाने के बाद फिर उसके बाद मेहंदी का फंक्शन था। ये है जी मेहंदी का फंक्शन। यहाँ पे एक साइड पे झूला रखा हुआ था, उसके ऊपर सारे जो है ना वो फूलों की सजावट थी, और ये स्टेज बना हुआ था, मतलब कलरफुल लाइटिंग भी थी। लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती थी थोड़े ड्यूरेशन के बाद, उसके बाद लाइट्स ऑन होती थी, तो काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी। और मल्टी कलर्स में लाइट लगी हुई थी, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, बैलदा तो बहुत ही खुश था। और पहली दफ़ा मैंने देखा है इसको, ये इतना मतलब डांस कर रहा था ना कि बस क्या ही बताऊँ। और बस ये जी मेहंदी का फंक्शन है, आप लोग भी एंजॉय करें। और ये है मेरे फुल ड्रेस की लुक, तो ये ऐसा है, फुल जो है ओपन शर्ट बिल्कुल नीचे तक है, और एयरलाइन में इसकी सारी स्टाइलिंग है। और ये मैंने साइड पे बालों को कर्ल किया था साइड पे, और ऊपर से एक साइड पे पफ बना के तो मैंने झूमर लगाया था, और ये मैंने ज्वेलरी पहनी थी इसके साथ। ये सारा है मेहंदी का फंक्शन, तो बस बहुत ज़्यादा तो मैंने इसमें नहीं किया। तो बस ये थी आज का मेहंदी का फंक्शन, तो बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, तो बस थोड़ा बहुत ही कैप्चर किया था। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।